दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। स्वागत है आपका आपके चैनल वीके लर्निंग में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? जिसका आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। लंदन में अनिवार्य शिक्षा का प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन है, गुरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादक किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कॉल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जबकि अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। फिर अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19.27%। यहाँ तक था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट। जी हाँ, सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? जिसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिलों में होती है? इसका आंसर हो जाएगा रोहतास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? जिसका आंसर हो जाएगा राजगीर। बिहार में रज्जू मार्ग जो कि राजगीर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय ऊंचाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है बेगूसराय जिला में। कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जेट गुडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका जो है संघ सरकार का एक उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा गया है केंद्र एवं राज्य सरकार को? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज स्थापनाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्राम कचहरी की प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरपंच। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान का 8वीं अनुसूचित डैश में भारतीय भाषाओं का रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। इसमें इनमें किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है बीमारू राज्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? उसी का अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है जो कि आंसर हो जाएगा इसका भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का विस्तारित रूप है, तो एटीएम का विस्तारित रूप हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक कृषि प्रधान देश। जी हाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को। जागो ग्राहक जागो एक नारा है उपभोक्ता का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार लागू हुआ था 1991 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो कि इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी। दोस्तों यहाँ तक था क्लास 12 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर।